यो व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू ऑल ऑफ, कैसे सभी लोग, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज अपन लोग एक बार फिर से खेलने वाले हैं फार क्राई प्राइमल, जो कि एपिसोड नंबर 2 होने वाला है। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं आज का गेम प्ले वीडियो। एंड अपन लोगों ने पिछले गेम में एक वुल्फ को टीएम किया था, जिसके बाद में अपन लोग एक वुल्फ की अपना ही एक तरीके से वो वुल्फ हो चुका था। ओके, एंड आज अपन लोग काफी सारे मिशन भी करने वाले हैं। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। मेन मिशन ही इतने सारे हैं इस गेम में कि अदर मिशन करने का टाइम ही नहीं है। ओके, एक साइला के लिए हट बनाना है यहाँ पे, ये भी हमने पूरा कर दिया। एंड एक काफी अच्छा हट बन के तैयार हो चुका है। लेट्स गो उपी, आ ये ओके। साइला यहाँ पे काफी खुश दिखाई दे रही है, ये भी एक बेहतरीन बात है। ओके, अपने पास वेपन्स वगैरह मैंने थोड़े अपग्रेड कर लिए थे, जो कि वीडियो में नहीं दिखाए, क्योंकि अगर मैं कहीं पे कुछ लूट करने जाता एंड वो वीडियो में दिखाता था, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने वीडियो को उस जगह से म्यूट कर दिया, कट कर दिया, समझ रहे हो। ओके, अपने पास काफी सारी स्किल्स है, जिनमें से मैप में शो हो सकता है वुड कहाँ पे एंड एक बैकपैक जैसा कुछ है। ओके, मेरे को लगता है हमें यही लेना चाहिए जो वुड शो करे। पिछली बार पे आप लोगों को फाइट में प्रॉब्लम्स आ रही थी, अगर वुड कहाँ कहाँ ये शो करेगा। ओके, ये भी ले सकते हैं, जिससे हमारा ओवल किसी पे अटैक कर सकता है। एंड अदर भी बहुत सारी है, लोइंस वगैरह का हमें मैप में पता चलता रहेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे है, बट मैं यही लेने वाला हूँ, वुड वाला, जैसे कि वुड वगैरह से हमें ये पता चलता रहेगा कि वुड कहाँ पे मैप में, तो हम लोग वुड वगैरह कलेक्ट करके कहीं ना कहीं फाइट अच्छे से कर पाएंगे। एरो वगैरह की हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, समझ रहे हो। ओके, हमें साइला से बात करनी है, टॉक टू साइला। भाई दो, मैं बता दूं गाइस, अगर आपको ये अगर आपने फर्स्ट एपिसोड इसका मिस कर दिया, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी फर्स्ट एपिसोड की, जाओ देखो, बहुत ही ज़्यादा एपिक होने वाला है, मज़ेदार है, मेरे ख्याल से आपको देखना चाहिए। ओके, साइला केव के काफ़ी ज़्यादा अंदर है, पहले साइला से हम इधर अंदर शायद काफ़ी इस केव के अंदर इतना ज़्यादा नहीं मिले, आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे क्यों है साइला। ओके, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, बट इसे थोड़ा सा सुन लेते हैं अच्छे से, वरना फिर समझ भी नहीं आएगा। ओके, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको सब कुछ। साइला बोल रही थी कि तुम्हारे आने से पहले मैं केव में अकेली थी, एंड तुम एक भीष्म मास्टर हो, ये तुम्हारे आने की वजह से वेंजा के सब लोग यहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं, एंड अब मैं अकेली नहीं रही, ये वेंजा का घर बन चुका है, ऐसा कुछ करके, और ये मेरा अकेला का घर नहीं है, ये टकर के आने की वजह से ऐसा कुछ हाउस वगैरह बन गया है। नेक्स्ट डे हो चुका है, एंड आज जो कि है उद्दम वॉरियर्स से फाइट होने वाली है, एंड ये ऐसा वेंजा ने कहा था कि कल सुबह उद्दम वॉरियर्स यहाँ पे आने वाले हैं, ऐसा कहीं से साइला को पता चला होगा। एंड जैसा कि नेक्स्ट डे हो चुका है, एंड हमें टॉक टू साइला करना है, और हमें एक क्लू भी दिया है साइला ने, जो कि वेंजा जो कि उद्दम वॉरियर्स से फाइट करके कहीं से साइला ने लिया है, काफ़ी अच्छा है। भाई कहीं ना कहीं अटैक कर ही दिया है, उन है यहाँ पे एक। ओके, ये उद्दम का जो लीडर है वो है शायद कुछ उद्दम वॉरियर्स का। ओ, क्या गिरा है ना भाई, एकदम तगड़ा वाला गिरा दिया भाई। ओके, वो अपने बंदों को हुकुम देके चला गया, ऐसा ऑर्डर दिया है कि ना सब वेंजा को खत्म कर दो, सब लोगों को।
साहिला बोल जो अवेंजर के लोग हैं वो बोल रहे थे कि बहुत कम लोग हैं हम, तो साहिला बोल रही है कि हमारे साथ एक बीस मास्टर है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ साहिला तुम कहीं ना कहीं सही हो, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ओके वेपन्स हमारे पास मैक्स है एंड एक ये भाला भी है जिसे अपग्रेड में करने वाला हूँ नेक्स्ट एपिसोड में या फिर इसी एपिसोड में कर देंगे। ओके अटैक ऑफ उद्दम, ओके उद्दम वॉरियर्स का अटैक हो चुका है गाइस। आपको एफपीएस थोड़ा सा लो देखने को मिल सकता है एक रैम स्टिक की वजह से, थोड़ा सा मेरी रैम है शायद से या तो कैपेसिटी लो हो चुकी है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। ओके इधर से उद्दम ज्यादा आ रहे हैं इसीलिए मैंने एक एरो यहाँ पे चलाया है जो कि जिसमें आग लगी थी, जिससे यहाँ पे आग लग जाए तो उद्दम वॉरियर्स यहाँ पे कमी आएंगे। ओके उधर से भी आ रहे हैं मेरे को लग रहा है, ये तो अपना ही है। ओ नहीं मेरे को आग लग गई यार, पानी में घुसना पड़ेगा, रुको रुको ये नहीं, वैसे तो इस पानी में घुसने से कुछ नहीं होगा। ओके अभी इधर से उद्दम वॉरियर्स उतने नहीं आएंगे, इधर से आएंगे इंडियर वालों को, एक साइड से कंट्रोल कर सकते हैं दोनों साइड से, नहीं समझ रहे। ओके आ भी रहे हैं यार उधर से भी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ओके साहिला शायद शंख वगैरह जैसा कुछ है वो बजा रही है। ओके अपने बीस्ट को थोड़ा सा, वुल्फ को थोड़ा सा खिला देते हैं ताकि। ओके अंदर कुछ है क्या? ओके अंदर जाने के लिए क्यों बोल रहा है? ओके केव पे अटैक हुआ है हमारे पे, जो वेंजा हाउस है उस पे अटैक हुआ है, अंदर की तरफ घुस रहे हैं वो लोग भाई आरामी के पिला। ये रहा ओ बेटे, अरे तेरी नमन साले हट हट। ओ भाई ये भाला मार रहा है, रुक तेरी रुक हट, हमें हील करना होगा। गया ये भी खत्म। ओके अभी अंदर और भी है, कुछ फेंक रहे हैं भाई, धुएं जैसा कुछ, केमिकल जैसा कुछ है जो कि फेंक रहे हैं लोग। ओके मैंने छू पता नहीं एरो को फायर किया है बट किसी पे लगाया आई डोंट नो। ओके इधर खत्म है, इधर आ गए मेरे ख्याल से पीछे, रुको इधर ही होंगे ना कहीं पे। ये लोग तो सिर्फ एरो आई मीन सीधा जो है फायर कर रहे हैं। ओके बेटे रुक तो नहीं, तू रुक मुंह पे मारूंगा तेरे। ये भी गया, ये भी गया, बट रुक ना, अबे रुक बट साइड ऑफ बट चल यहाँ से। तगड़ी फाइट हुई है कुछ भी बोलो। अरे अरे इतना तेजी से कहाँ भाग रहे हो जी, उसको लपेट लेगा वो अपने आप ही हमारा वुल्फ। ओके इधर भी बंदे हैं, तू मरेगा यार, तू मरेगा ब्रो, तू मरेगा भाई, वो फेंक रहा है, उसको बताता हूँ फेंकना क्या होता है, रुक मैं फेंक के दिखाता हूँ देख, ऐसे ऐसे फेंकते हैं का समझे जी। ओके यहाँ पे शायद से अभी वेंजा के लोगों ने शायद मार दिया है सभी उद्दम वॉरियर्स को, मैं अकेले ने नहीं। ओके अपना बीस कहीं ना कहीं डाउन हो चुका है भाई, कहाँ पे ऊपर है क्या? ये तो वेंजा का ही लोग है, उद्दम वॉरियर्स सारे खत्म है भाई, इधर कोई एक दो बचा होगा अगर है तो। अपना कहाँ है? अच्छा नीचे है क्या? मैं गलत ऊपर आ गया, सॉरी सॉरी, रुको रुको। ओके रीग्रुप, हमें साहिला के साथ बात करनी है वापस से रीग्रुप। ओके ओके थोड़ा अपने वुल्फ को खिला दिया है कुछ ना कुछ मीट, सॉरी बात करते हैं साहिला वहाँ पे। अच्छा साहिला का हंट नीचे की तरफ है ना, हट हंट नहीं सॉरी। ओके हमें बेस है जो उद्दम वॉरियर्स का, उस पर अटैक करना है एंड सभी उद्दम वॉरियर्स के बेस को डिस्ट्रॉय करना है। वहाँ पे कुछ तो होगा ठीक है, जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे साइला बोल रही है, ठीक है हम वो भी करेंगे जिससे दोबारा हमारे ऊपर अटैक ना करे उद्दम वॉरियर्स जल्दी से, समझ रहे हो? वैसे अटैक्स तो खत्म नहीं होंगे, मैप बहुत बड़ा है अभी भी एंड मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फाइट्स होने वाली है ठीक है, बट कहीं ना कहीं अगर हम इस मैप को एक बार के लिए जो उद्दम वॉरियर्स का जो बेस है उसको एक बार के लिए अगर डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वहाँ पे जल्दी से उद्दम वॉरियर्स वापस से हमारे वेंजा हाउस पे अटैक नहीं करेंगे ठीक है। ओके यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है बट हमें थोड़ा सा पहुँचने में टाइम कहीं ना कहीं लगने वाला है, लेट्स गो। आपको जर्नी है ना, अगर कट कर दूंगा मैं बीच की तो मज़ा नहीं आने वाला, इसीलिए मैंने कट नहीं किए क्योंकि बीच में ऐसे है ना ये जो शिकार विकार करने का जो मज़ा है ना वो फिर पता मज़ा नहीं आता, इसीलिए मैंने रखा है कि ना पूरा का पूरा दिखाया जाए। वैसे बाद में वो लोग जब गेम एंडिंग की तरफ होगा तब आप लोगों की बोलोगे तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। पता है मेरा निशाना भी बहुत गंदा है, सही बता रहा हूँ।
ओके चलो थोड़ा मीट यहाँ पे मिल चुका है ताकि अपने वुल्फ को भी अगर डाउन हो जाए तो कहीं ना कहीं। ओके इधर सामने की तरफ पता है एलिफेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, आई मीन जो मेमथ होते हैं वो बहुत सारे हैं, तो उनसे बच के चलना होगा। ये एरिया मेमथ्स का है शायद से, मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, कन्फर्म नहीं है। ओके एकदम वॉरियर्स तो जरूर है यहाँ पे, और का पता नहीं है। और करेगा बदमाशी, करेगा बदमाशी है। ओके ये सब खत्म है एक बार के लिए, चलते हैं जल्दी से सामने की तरफ। ओके इधर कुछ तो है शायद से, डियर है, डियर बहुत कम मैप में मिलता है, एंड पता है शिकार करना भी इतना आसान नहीं है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ एक आध डियर का शिकार कर लिया जाए। पिछली बार भी है ना जब साइला का हंट बनाने गया था ना, तो डियर की स्किन्स कम पड़ रही थी, तो मैंने ना आपको जैसे वो वीडियो दिखाया नहीं होगा, वो पार्ट मैंने डिलीट मार दिया क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं था। मैंने मीट इकट्ठा, आई मीन मैंने स्किन्स इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था भाई सच में। ओके लकड़ी यहाँ से मिल चुकी है, सामने की तरफ ये बेस ज़्यादा दूर नहीं रहा है। ऐसे अगर हम सब कुछ कलेक्ट करते जाएंगे ना वेपन्स वगैरह के लिए, तो एरोज बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। एंड मैं सोच रहा हूँ जो साइला ने क्लूब दिया था उसी से अपू लोग मारेंगे सबको, ताकि ज़्यादा मज़ा आने वाला है, समझ रहे हो, जो साइला ने दिया है उसी से निपटाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आने वाला। ओके वो देखो मैंने बोला था ना मेमथ्स का एरिया है, तो मेमथ उधर पे, अपू लोग भागते हुए चलेंगे, मेमथ से नहीं टकराएंगे भाई, अगर वो उससे टकरा गए ना गलती से। देख रहे हो इसी क्लू से सबकी बैंड बढ़ाने वाले, आई मीन क्लू निकलते फटाक से। ओके हमारा बीस्ट वगैरह की शायद फायर, अरे कौन मान रहा है मेहमत, अरे भाई मेहमत आ गया पीछे, निकलो भाई कसम से यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं थोड़ी सी हील मार लेता हूँ भाई यहाँ पे भी, अरे भागना यार मेरा बीस्ट गया भाई कसम से यार। मैं ना मेरे को समझ नहीं आ रहा वहाँ पहुँच के क्या होगा जब यहाँ रास्ते में सब कुछ हमारा निपट चुका है भाई। अरे ये आ रहा मेहमत नहीं, ये तो भालू है भाई, डियर है भाई, ऐसा मत कर यार। निकलो भाई निकलो 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 निकलो, यहाँ पहाड़ों में पता नहीं मैं गिरूंगा नीचे तो क्या होगा मेरा। सामने ही उद्धम वॉरियर्स भी है, ओ पीछे की गिर गया मैं, अब वो मेरे पीछे आई थिंक नहीं आएगा, मेरा भाई बीस्ट गया, लेकिन कोई बात नहीं हम बीस्ट को फिर से रिवाइव कर लेंगे। ओके इन लोगों ने देख लिया, रुको रुको इनका इलाज किया जाए, रुको रुको मेरा हील खा रहा है, इसी क्लू से मारूंगा, चल एक में गया। ओ भाई ये तो काफी तगड़ा क्लू है भाई, मजा आ गया यार सच में। रुको वो सामने ही होगा, इसकी भैंस की टांग, रुक 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 रुक, फाइट भी शुरू हो गई क्या, क्या भाई यूट्यूब वाले से मतलब भाई वो रिमूव ना कर दे वीडियो को भाई ये सब देख के। रुक रुक तेरी भाई है, हील 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 भाई हील पे मैं ध्यान नहीं दे रहा, हील गया भाई, खत्म 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 खत्म, रुको 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 हील करना जरूरी है भाई। अरे रुकना कहाँ पे, चल हट हट, चल बीमारी कहीं का, हाँ मैं इधर ही हूँ वेंजा, इधर ही, तू आ ना, तू इधर आना भाई, इसके ऊपर क्यों नहीं चढ़ पा रहा मैं। ओके यहाँ पे तीन मार्क बन के आ रहे, पता नहीं यार क्या करना है। रुको रुको थोड़े बंदे और बचे हैं उनको निपटाते हैं फिर चलते हैं, रुको ये जो भी करना है फिर मिशन कंप्लीट करते हैं। एक बार इस बेस को ख़त्म कर दिया ना, उल भी यहीं पे होगा मेरे ख्याल से, दिख तो नहीं रहा, अगर उल होता तो अभी तक आ चुका होता। कहाँ पे बंदा, ये रहा, रुक गया, एक में गया भाई, ओ पत्थर, अबे तगड़ा भाई ये तो, अबे रुक रुक, टूट गया भाई मेरा क्लू, बट है मैं हमारे पास और भी क्राफ्ट किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जाएगा कहाँ पे, अब पीछे कहाँ जाएगा, पीछे कहाँ जाएगा, चल काट मैं भेजता हूँ तेरे को पीछे, निकाल। अरे यार कितना मारेगा, तो रुक तो सही, तू 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 नहीं तू रुकना, तू 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 रुकना, कहाँ पे भाग गए इतना जल्दी भाई, हाँ वेंजा तेरा पापा यहीं पे है, तू तू रुकना, साइड हट, बीमारी कहीं का, देखो ऊपर चढ़ने दो, यहाँ पे कुछ तो है तगड़ा वाला, पता नहीं क्या है, शायद से ऊपर ही मार्क बन के आ रहा है ना, यहाँ से नहीं चढ़ पा रहे, उधर ही जाना पड़ेगा, ये कोई बात नहीं इधर से तो चढ़ ही जाएंगे। ग्रैबलिन हुक लगाने का ऑप्शन तो है बट इसको तोड़ना है क्या, टूटा नहीं, चलो अभी टूट गया, ऐसे तीन है आई थिंक, हाँ मैं सही समझा, इन तीनों को तोड़ना है, रुको इसको इसको तोड़ देते, रुको एक में गया, ये मज़ेदार था भाई, फिर से आ गया तू, हट साइड साइड हट, साइड हट जल्दी हट,
भाई पेड़ के आसपास लपेट दिया इसको, समझ रहे हो? एक और क्लू गया हमारा, शायद हमारे पास दो तीन ही है, ध्यान रखना पड़ेगा। अरे आग लग जाएगी यार अभी शरीर को, साइड रखना। तो ये लोग भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ओ विंजा विंजा ओ विंजा, ऐसे कर करके। देखो एक और तोड़ते फिर मिशन खत्म आई थिंक, वरना फेल हो जाएगा भाई मिशन, समझ रहे हो? ओके टूटा, अभी हमें एरो निकालनी चाहिए नीचे, जो भी है यहीं से मारेंगे हम, नीचे नहीं जाएंगे भाई भाग भाग के बार बार में। अरे ये तो अपना ही है, इसको क्यों बजा दिया भाई? तेरे को बीमारी बहुत हो रही, चल हट। क्या फेंक रहा है पता नहीं कब से, वो लगा क्यों नहीं, सही तो फेंका था लेकिन अब लग गया। देखो विजन ऑन करते हैं, यहाँ पे एक और है, ये रहा ना, खत्म सब खत्म सब खत्म सब खत्म दोस्तों, सारे बंदे खत्म दोस्तों, अटैक ऑन उद्दम, मिशन खत्म, बेहतरीन लाजवाब। मतलब कहीं ना कहीं कुछ भी बोलो ना, मजा बहुत आ रहा था। ओ भाई वेंजा के बहुत सारे लोग हैं जो कि अब नहीं रहे। उल उल नहीं था यहाँ पे यार, उल आती को आईफा आपा लाइवा माया शाजा पल हु विंग जमारिर्स। ओके मैं अब बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है थोड़ा वेट करो। शाजा पल हु उदा मारी विंग जबाल्ताशा, क्या कर रही है भाई, कितना गंदा है। छी ओके अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ तुम सब लोगों को, ठीक है? अभी बताऊँ क्या हुआ कि जैसे ही मैं थोड़ा लूट करते करते आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? क्या हुआ, साइला बोल रही थी उल खत्म है, तो उल जो था वो उद्दम वॉरियर्स का जो है हेड है, एंड उसने भी उसी ने जो अटैक किया, ठीक है? तो हम लोग उसको मारने के लिए भेजा था यहाँ पे, बट वो यहाँ पे उल था नहीं, यहाँ से भाग गया वो। बट हम लोगों ने वेंजा का बेस, वेंजा के काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ से मिलके, एंड मैंने जो उद्दम वॉरियर्स का बेस है उसको ख़त्म कर दिया। एंड अभी शायद उद्दम वॉरियर्स हमारे ऊपर अटैक नहीं करने वाले, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो उल अभी भी जिंदा है एंड वो फिर से अटैक करेगा। तो वेंजा के काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं भाई, बहुत सारे कम ही लोग थे वैसे, एंड बहुत सारे वॉरियर्स हैं उद्दम के जो कि अभी वेंजा के जो कि काफ़ी सारे डैमेज है एंड ख़त्म हो चुके हैं। तो साइला बोल रही थी कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हमारा वेंजा का जो बेस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो टकर यहाँ पे साइला को बोल रहा था कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, एंड सभी लोगों ने बोला कि हाँ हम वेंजा के लिए लड़ेंगे, दोबारा लड़ेंगे ऐसा कुछ। वो भाई ये सूप पिला रहा फिर से, आंखें निकालनी। अच्छा उद्दम वॉरियर्स की आई बोल से, मैंने देखा मेरी आंखें टकर की आंखें निकाल ली, तो भाई टकर देख कैसे पा रहा है। उदम फक वे हा आई अ पास्ता उदम ओ भाई, फिर से किसी बीस्ट का हमें वो मिलने वाला है आई थिंक। इस बार क्या आई डोंट नो, विजन ऑफ आइस। ओके नए मिशंस के लिए हमें ये होने वाला है, इस बार कोई बीस्ट नहीं मिलने वाला है। वुमन स्टैचू, ओके फाइंड द स्टोन वुमन स्टैचू, ठीक है इधर से हम आए, इधर हमें जाना है। ओके एक स्टैचू है जिससे आप जिसको हमें वो करना है। ओके उल है यहाँ पे,
उल बोल रहा है डोंट टच डोंट टच डोंट टच ऐसे बोल रहा है उल। ओके वो कहाँ चला गया भाई, सब कुछ इधर ही तो था अभी। भाई हमारे हाथ में क्लू देखो भाई, कौन सा वाला है इतना भाई कांटे लगे हुए। रियल में हमारे पास अगर गेम में ऐसा वाला हो ना मजा आ जाए भाई। वो इसको पता चल गया, साइड हट, जल्दी हट साइड में। वो बेटे की क्या ही मार रहा ना यार कसम से। ओके इसमें हमारे पास हेल्थ भी काफी ज्यादा है। ओ बैस की टांग क्या ही मार रहा है भाई ये देखो भाई उड़ के जा रहा है एकदम मस्त उद्दम वॉरियर तेरी। रुक मरना नहीं है भाई हमें यहाँ पे भी। तुम लोग छोड़ूंगा नहीं मैं एक को भी, दो दो को एक साथ उड़ाऊंगा। रुको ये बर्फ बन जा रहे हैं ना, खत्म ये भी 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 खत्म। चलना हट अबे अबे मरना, अरे भाई मर ही ना रहा, अभी गया खत्म। ओके इधर ही वो होगा, वो रही सामने स्टैचू सामने ही है, पीछे जा रहा है अपने आप ही उड़ जा रहा है भाई स्टैचू देखो। स्टोन वुमन डन नॉट हियर, पीछे भाग रहा है पीछे भाई भाई फिर से पीछे भाग जा रहा है भाई देखो। अरे ऊपर से गिर रहा है भाई बर्फ गिर रहा है, अरे फिर पीछे भाग रहा है भाई क्या है ये कब से होने लग गया। जाना किधर है, इधर से जाना है। अच्छा 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 स्टैचू अटैक भी करता है ना ये देखो अटैक भी किया भाई उसने। भाई मेरा हेल्थ बहुत कम हो रहा है, रुको 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 अभी वो पीछे चला है। इसमें है ना मिशन में एक चीज़ ठीक है कि हेल्थ है जो कि ऑटो वापस से जनरेट होती रहती है। तू मरेगा ना तू मरेगा भाई। ओके इस बार का अटैक साइड से निकल गया, चल साइड हट जल्दी हट। ओके फिर से सामने ही होने वाला है। ओके इस बार ऊपर ऊपर से मार रहा है कि लोग छोड़ो ना, ऊपर वालों को वैसे इग्नोर मारते। ओ बैठे की लग गया, मरूंगा भाई मैं मरूंगा। अरे यार फिर से मारा पत्थर के ऊपर कैसे, अरे इसको कैसे मारो यार, इसको नहीं मार सकते हम लोग। ये फिर पीछे भाग के, छोड़ो उनको छोड़ो आगे निकलते हैं, हमें वैसे भी इस स्टैचू से मतलब है ठीक है। वो ये क्या है, हट साइड हट ना। आई नो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं होगा गेम में, बट आई नो दोस्तों थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड भी OBS से कर रहा था क्योंकि हमारा यहाँ पे जो रैम स्टिक है वो एक या दो दिन के अंदर आ जाएगा ठीक है। 22 को मैंने ऑर्डर किया एंड जो कि रैम स्टिक का अनबॉक्सिंग है वो भी आपको काफ़ी तगड़ा लगने वाला है। एंड इस बार का रैम एपिक रैम होने, ओ भाई ये क्या है, इस बार का जो रैम स्टिक है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है एंड अच्छी कंपनी का एंड बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के साथ ही आपको मिलने वाला है ठीक है। आपको नहीं मेरे को मिलेगा ठीक है, तुम लोग मत बोलना हमको कैसे मिलेगा ठीक है। ये फन था, अबे मरता क्यों नहीं है बे, अब ओ अच्छी बार पता चला कहाँ पे मारने से मरता है। रुको 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 भाई फिर से मार दिया इसने, छाती पे मारो तो मर जाता है समझ रहे हो। फिर से पीछे आ गई है, अभी क्या करना है। अच्छा इन लोगों को मारते रहना है, चल हट ना अभी मेरे को पता चल गया तेरे को कहाँ मारने का है। देखो यहाँ पे मारने से नहीं मर रहा, छाती में मारो दोनों गए। देखो इनको हेड से कोई मतलब नहीं है भाई, हेड पे तो इन लोगों ने आर्मर वगैरह पहन रखा है भाई, हेड पे मारो तो मरते ही नहीं है। तो यार क्या करना क्या है भाई, ये लोग खत्म होंगे कि नहीं होंगे। साइड हट साइड हट, चिपक मत बिल्कुल चिपकना पसंद नहीं मुझे, हट साइड हट तू भी हट, भाई हट ना भाई पेट में लग भाई, फिर पेट में मारूंगा ना तब निकलेगा तेरा हवा।
साइड हट। हेल्थ बहुत कम हो रही, बट एक चीज़ काफ़ी अच्छी है इसमें। ओके ये फेंकना पड़ेगा क्या? इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते क्या? अरे वो तो हेल यार, मैं ऊपर क्यों नहीं चढ़ पा रहा कहीं से भी? इनको मारूँ कहीं से बैठे? उद्दम अटैक स्टॉप करना है पहले, उद्दम अटैक्स को फिर। ओके ये टिप्स दे रहा है हमें, थ्रो करना है ठीक है। ओके ये बर्फ का बना है तो अनलिमिटेड है हमारे पास। अरे वो फेंक रहा है जो लग रहा है, बट मैं फेंक रहा हूँ वो नहीं लग रहा उस पर। अरे हटना, मरता क्यों नहीं है भाई? तुम लोग मरने का लोगे क्या? ओके एक तो गया, बट एक अभी भी बाकी है। ओके वो भी गया, बहुत बढ़िया। ओके इसको फेंकना है, चल बैठेगी। गया 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 गया, खत्म 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 जेबा। विजन ऑफ आइस, विजन ऑफ आइस कंप्लीट कर दिया है। वो ये क्या कर रहा है अंकल? हेलो, क्या कर रहे हो? ओ भाई टक्कर को बाहर आ गया, सब कुछ दो पिया था टक्कर ने, वो सब कुछ बाहर आ गया था। पाल पाल हु उदाम फकवे सुनता दा बताबू। हां क्या बोल रहा, टेस्टी था वो जो टक्कर ने जो आइस जो आइस ली थी वो अंदर ही ठीक है। यागे सुसारता स्वर्ग मारमार सिक डाइंग। ओके ये इसलिए था क्योंकि अब टक्कर आइस में भी जा सकता है, मरेगा भी नहीं। क्योंकि जो उद्दम वॉरियर्स हैं वो कहीं ना कहीं उदार उदार प्लाहाग्वार पति आइस में ही उनको रहना पसंद है, पता नहीं ऐसा कुछ। ओके हमें बाहर निकाल दिया बोला, बाकी बाद में। ओके इधर कुछ तो है, देखो इसको पीने पी लेते हैं, इसको भी एक और मिशन हमें मिल जाएगा साथ ही साथ। तकारी सुना मिशायु आलुते फादाता बाल बाल पफिताल उरुसु क्वाय क्वाश्राब शायु नावा सददा। ओके मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वेट। ओके ओके अंकल बोल रहे हैं कि ये उरुस की जमीन की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है, सो तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। Shayu sakwatakar ma ais pafeta. ओके ये बोल रहे हैं कि टकर एक बार तुमने अगर इसे पी लिया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा फिर। ओके आई थिंक टकर ने पी लिया, पता नहीं जो भी है कुछ तो तगड़ा होने वाला है। ओके मेहमत, ओ बेटे की हमें मेहमत बना दिया। ओके करना क्या है वो बताओ यार, मेहमत तो बना दिया तो बना दिया, करना क्या है वो बताओ। ड्यूअल ऑफ बीस्ट, ओके इस मिशन का नाम है ड्यूअल ऑफ बीस्ट। इसमें बहुत तगड़े तगड़े मिशन है भाई, कुछ भी बोलो। ओके साइड से जाते हैं ना, मैंने ये नहीं सोचा था। इसका मतलब हो सकता है क्या हम मेहमत की भी सवारी करेंगे इस गेम में? ऐसा हो सकता है दोस्तों। ओके मैमल्स पे कोई अटैक कर रहा है एंड हमें उसको फाइंड करके मारना है। ओके एक लगा उसको, कहाँ गया वो? ओके इधर ही है वो रहा। रुक 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 तेरी भैंस टांग, रुक। फिर से भाग गया, जादूगर है क्या भाई? ओके इधर भाग रहा है, रुको उसको पकड़ते हैं। ओके ये मेमथ्स का शिकार कर रहा है जिससे मेमथ्स की जनसंख्या बहुत कम हो रही है, ऐसा कुछ है तो हमें इसका शिकार करने वाले को मारना होगा। हम गिरने वाले हैं दोस्तों,
बट हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था, हमें गिरना ही पड़ा था भाई, क्योंकि जाना यहाँ से था ना इसीलिए। भाई मजा आ रहा है, कुछ ही बोलो ना, बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ये देख के भाई। नीचे उतरना रे बाबा, तू नीचे उतर, किसको भेज रहा है भाई बड़वे। हाँ ये और बाकी रह गया क्या? अजी भाग कहाँ रहे हो? ये लो, फिर भाग गया, किधर भागा? ये रहा ना, ऊपर जा रहा है क्या? ओके, इतने सारे कब्बे क्यों है भाई यहाँ पे? फिर से गिराना मत भाई किसी चीज में, मैं पानी में नहीं घुसने वाला। पता चला फिर से इसने गिरा दिया कहीं पे नीचे, फिर से पत्थर के ऊपर तेरी भैंस की टांग रही तेरी। ओके, फिर से ये अपने जान अपने भाई उनको भेजेगा चेलों को, समझ रहे हो? ऐसा ही कुछ तो होने वाला है। क्या मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता क्या? ओके, वो आ रहा है सामने से। ये अरे हट, साइड हट, हट, चल साइड हट। एक ऊपर रहेगा, रुको उसको निपटा के आते हैं पहले। ओके, ये रहा ना साइड में। ओ बैठे कि मैं नीचे नहीं गिर जाऊं भाई, यहां से गिरा ना तो नीचे। अरे ओ भाई पत्थर, ओ बैठे कि इसके सीध में नहीं थे, अगर इसके सामने होता ना पत्थर के, ऐसी जगह से निपटते ना भाई। फिर से अपने बच्चों को भेज रहा, रुक साइड हट, साइड हट ना, ये हट रहे। हमारे मेहनत की खुद बीचे की बच गए। फिर तो मैं इससे मारूंगा ना, तू रुक, तू नीचे आ, तू नीचे आना तू। ओके, हमारे मेहनत का हील हेल्थ भी है, समझ रहे हो तुम लोग? ऐसा ऐसा नहीं है कि भाई अनलिमिटेड हेल्थ है, ऐसा नहीं है भाई। देखो हमारे से जब टकरा रहा है ये कोई, जब हमें भी है ना डैमेज हो रहा है। साइड हट, बहुत मार लिया अबे, नीचे गिर जाता यार। ओके, आगे भाग गया वो। अबे यार कितनी देर तक ये फालतू का काम करवाएगा तू? है कितनी देर तक आएंगे ये बच्चे तेरे? ओ, फिर से भाग गया। जिंदगी में भगोड़ा ही था क्या पहले? फिर से भाग रहा है भाई, कितना स्पीड से भाग रहे हैं हम लोग, देख रहे हो? मैं पानी के अंदर, अरे इसके सामने आ गए ना भाई ये खड्डे पे जिनसे पानी निकल रहा है, तो भाई हम बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएंगे, फिर हम लोग हमें मार देंगे अभी भाई इनके चेलों से। फिर अब की बार कुछ अच्छे नहीं आए? नहीं यार वैसे ही है। भाई थोड़ा बच के, ये लोग एक बार में दो हेल्थ खा जा रहे हैं भाई, मेरा हेल्थ खत्म है भाई। रुक, नहीं तो रुक, तो रुक, तो रुक ना, तो रुक ना, चल वे साइड में। औरत बैठे की मेरे को मारने के लिए आया था क्या? साइड हट बेटे, फिर दो दो डिब्बे एक बार में ना, दो हेल्थ बार खा जा रहा है भाई मेरे। तो साइड में जाने दो थोड़ा, फिर सामने से लेके चलते हैं इनको। साइड हट, अरे भाई फिर मार रहा है। मेरे को साइड जाना पड़ेगा भाई, बहुत ज्यादा हेल्थ खा गए लोग। रुको अभी आ, अभी आ, अभी तो अभी आ, चल हट साइड में। वो कब आएगा इनका? एक और यहाँ पे ले, तू भी चल। कितनी देर भेजेगा भाई तू? कितनी देर भेजेगा बता? कितना भेजेगा तू? कितना भेजेगा? चल दोनों हटो, साइड बैठो, चल तू भी हट। भाई ये लोग गंदा मार रहे हैं भाई, हेल्थ देखो हमारी भाई, ये लोग हेल्थ को खत्म कर दे रहे हैं भाई। हमें हटो का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्या मारा इसको, खतरनाक मारा। ओके, इनको मारने से इसकी भी हेल्थ खत्म हो रही थी क्या? चिपक गया क्या? कहाँ चला गया ये भूतनी का? अटैक करने वाला है, रुक रुक, तेरे को तो मैं नहीं करने दूंगा, तू तो अकेला है ना, चल हट साइड में। गायब हो गया, तुझे हेल्थ थोड़ी सी है, मरने वाला है। बेटे सामने से मारा इस बार से, चल हट साइड, हट तू तो गया, तू गया, हट साइड, हट। मर गया क्या?
मर गया मर गया मर गया मर गया, ये फाइनली दोस्तों मार ही दिया, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमने मार ही दिया। ये गेम तो आपको कैसा लग रहा है ना मेरे को बताओ भाई। फार क्राई प्राइमल काफी पुराना गेम है फिर भी इतना तगड़ा गेम, सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार है। ग्राफिक्स नेक्स्ट लेवल है, थोड़ा सा मैं अगर और ट्राई करता तो गोल्ड एडिशन वगैरह भी बाय कर सकता था, बट मैंने सोचा यार फार क्राई प्राइमल नॉर्मल भी अच्छा ही है, उसमें भी ग्राफिक्स इतने और इतने ज्यादा डैड भी ग्राफिक्स नहीं है। वो थोड़ा सा ग्राफिक्स प्रॉब्लम मेरी रैम की वजह से हो रहा है जो कि काफी जल्दी सॉल्व हो जाएगा 2 या 3 दिन के अंदर। नेक्स्ट एपिसोड आपको फुल्ली एपीपीएस के साथ मिलेगा, ठीक है। तो कैसा लगा आज का गेम प्ले मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, एंड बाय बाय दोस्तों जल्दी। एंड गाइस आप में से बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, तो दोस्तों प्लीज यार सभी लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दिया करो। ये सब कुछ बस मेरे मोटिवेशन के लिए, मैं आपको प्रॉपर एकदम वीडियोज आते रहेंगे एक दिन छोड़कर या फिर 1 या 2 दिन से छोड़कर, ठीक है। ओके हम लोग अपने बेस में वेपन नहीं निकाल सकते, ये मेरे को नहीं पता था, ये अभी पता चला। नहीं मैं अब नहीं पीने वाला आपके वाला, हो गया वो खत्म है। चलो गाइस बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।